ये वायरल वीडियो बिहार के शिवहर जिले में हुई एक बैंक लूट का है। यहाँ 22 जून की सुबह बदमाश आराम से आए और बैंक में घुसकर करीब 27.5 लाख लूटकर चलते बने। ये घटना पिपराही थाना क्षेत्र के अंबा हाई स्कूल के पास मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैंक लूटने आए अपराधी अपने साथ जो बैग लाए थे वो छोटा पड़ गया, तो एक लुटेरा अपनी पैंट में ही नोटों के बंडल को रखने लगा। दरअसल बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। आए दिन लूट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला शिवहर जिले का है, जहां 22 जून की सुबह बैंक खुलते ही हथियार से लैस 7 बदमाश ब्रांच के अंदर घुस गए, गार्ड को गोली मारी, फिर एक कर्मचारी को हथियार का भय दिखाकर लॉकर खुलवाया और बैग में पैसा भरकर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना को बदमाशों ने महज 9 मिनट के अंदर अंजाम दिया। ये घटना पिपराही स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के अंबा काला शाखा की है। वीडियो में दिख रहा है दो बदमाश एक कर्मी को लॉकर रूम में लेकर पहुंचते हैं। एक बदमाश के हाथ में पिस्टल है तो दूसरे के हाथ में बैग, फिर एक एक कर 3-4 बदमाश लॉकर रूम और बाहर निगरानी करते हैं जिनके हाथ में पिस्टल है। दो बदमाश जल्दी जल्दी बैग में पैसा भरते हैं तो दूसरा नोटों के बंडल बैग में भरता है। फिर 10:20 पर पैसा लेकर सभी बदमाश बैंक से निकल जाते हैं। बैंक लूट करने आए बदमाशों में किसी ने मास्क पहना था तो कोई हेलमेट पहने हुए था। शाखा प्रबंधक किशोर कुमार ने बताया कि बदमाशों ने 27 लाख की लूट की है। घटना की सूचना मिलते ही SP अनंत कुमार राय पुलिस बल के साथ बैंक शाखा पहुंचे और बैंक कर्मियों से जानकारी ली। SP ने बताया कि घटना में शामिल बदमाशों की खोज के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वारदात में जख्मी हुए बैंक गार्ड को इलाज के लिए पिपराही PHC सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस बैंक लूट की वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।